21 जनवरी को दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोध में पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। इसको लेकर सभी जिले में तैयारियां चरम पर है। पूर्णिया में रामबाग स्कूल की ओर से एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने पोस्टर बैनर के जरिए लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की। स्कूल के प्राचार्य ने इस दरमियान बताया कि मानव श्रृंखला से पहले माहौल बनाने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं और प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम के जरिए लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए जागरूक किया जाएगा। क्योंकि मानव श्रृंखला 21 जनवरी को है, इसलिए इसी पर हमारा जो है ये वातावरण निर्माण का कार्यक्रम हो रहा है बच्चों के द्वारा। उसके बाद जितने भी हमारे टोला सेवक हैं, जितने भी हमारे कर्मी हैं, और लगातार कार्यक्रम चलेगी हमारी 20 तारीख तक। उसमें कैंडल मार्च है, मशाल जुलूस है, मोटरसाइकिल रैली है, हम लोग तरह तरह विद्यालय स्तर पर भी प्रभात फेरी सब करवाए हैं, और पंचायत स्तर पर भी हमारे ब्लॉक के माध्यम से और अनुमंडल के माध्यम से हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं वो कर रहे हैं। और जिस तरह से पूर्व में हमारा ये मद्य निषेध कार्यक्रम पर हमारा अभियान चला था 21 जनवरी को पिछले वर्ष, उसी तरह से ये बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रम पर जो है हमारा 21 जनवरी को ये कार्यक्रम है मानव श्रृंखला का। इसमें हम सबको आह्वान करते हैं, तमाम हमारे नागरिक को, हमारे जितने भी लोग इस बिहार के जो और खास करके पूर्णिया के वासी हैं, वो हमारे जो इस मानव श्रृंखला में लेकर के दहेज उन्मूलन कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे।